हेलो जी, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे हो गए और मैं भी अच्छी हूँ। तो यहाँ पे मैं जिम के कपड़े पहन के रेडी हो गई हूँ जाने के लिए। अभी मेरे सामान देख रहा ऐसे ही बिखरे पड़े हैं। तो आज तो मैं खाने के बाद सो गई, उसके बाद उठी तो मम्मी को कॉल किया, दीदी से बात किया, सबसे बात किया। तो फिर तैयार हो गई जिम के लिए। और मैं देख रही हूँ, मेरे को जैसे गंदगी पसंद नहीं है ना, तो वैसे वैसे दिख रही है तो मेरे को अजीब सा लग रहा है। जल्दी ही सारा सब कुछ साफ़ करूँगी, कल साफ़ करती हूँ। तो चलिए फटाफट रेडी हो जाते हैं। उसके बाद बैग भी वैसे ही पड़ा हुआ है, क्योंकि उसमें मुझे कुछ ज़रूरत की चीज़ें निकालनी थी तो मैं निकाली हूँ। और समझ में नहीं आ रहा मैं क्या खा के जाऊँ जी, क्योंकि इसमें क्या रखा है, अच्छे मसाले, क्योंकि मैंने ना कुछ सामान कुछ ख़त्म हो गया। कल जाऊंगी यार, मॉल भी जाना है, मॉल जाके ले आती हूँ। लेकिन समझ में नहीं आ रहा मैं क्या खा के जाऊँ, चलती हूँ। थोड़ा सा ड्राई फ्रूट खा लिया है मैंने, ड्राई फ्रूट खा लिया है, और ड्राई फ्रूट खा के पानी पीऊँगी। यार प्यास लगी है, सो के उठी, तो ड्राई फ्रूट खाने के बाद अब चलते हैं जी। और मेरी फ्रेंड बोली 7:30 बजे और हो रहा है 7, मुझे वेट नहीं हो रहा है। मैं सोच रही हूँ फटाफट टाइम हो जाए मैं जाऊँ, क्योंकि यार बहुत दिन हो गया ना एक्सरसाइज, आज तो मिक्स करूँगी। चलो मिलती हूँ आपको बाद में। आज जब मैं वीडियो देख रही हूँ तो मुझे एक ही चीज़ याद आ रहा है कि मुझे ना जिम को ज्वाइन किए दिसंबर में, 1 साल हो जाएगा। और ऐसे ही ज्वाइन किया था, नॉर्मली देखते हैं करके कैसा लगता है, और आदत हो गई। मतलब मम्मी थी तब तो आराम से जिम करती थी, उसके बाद भी मेरी जॉब भी थी कंटिन्यू, तो जॉब के बाद भी मैं जिम जाती थी, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे पता था कि अगर मैं जिम नहीं जाऊंगी तो मेरा शरीर फिर से ख़राब हो जाएगा। और सच बताऊँ तो एक बार जिम करने लगो ना, अगर आपको खुद अच्छा लगने लगेगा और आप जाओगे एक्सरसाइज करोगे, जब आपके अंदर ना बहुत सारी चीज़ों का चेंज होता है, मतलब आपकी बॉडी बहुत अच्छी होती है, माइंड बहुत रिलैक्स रहता है, आप हैप्पी रहने लगोगे, सोचने की समझने की हर तरीके से ना। और सच बताऊँ तो फिज़िकल तरीके से भी आप बहुत मजबूत होते हो। सच बताऊँ 5 किलो का वेट नहीं उठा पाती थी मैं, लेकिन जब मैंने जिम ज्वाइन किया तो मुझे याद है मैं आनंद विहार रेलवे स्टेशन जा रही थी, और बहुत इतना भागना पड़ा था, और 2-2 बैग लेके मैं भागी थी, और कंधे पे 2 बैग था और हाथों में 2 ट्रॉली बैग जो कहते हैं ना वो था। मैं यहाँ से वहाँ दौड़ी थी और सच में मुझे उतना वेट नहीं पता चला, और मुझे ये भी पता चल रहा था कहीं ना कहीं जिम जाके मेरी स्ट्रेंथ बहुत बढ़ गई है और इस वजह से मैं कर पा रही हूँ ऐसा। तो यहाँ पे 1 साल होने को आएगा पता ही नहीं चला। चलो फटाफट तैयार होती हूँ और हो सके तो उधर ही से जाऊँगी अपने दोस्त के साथ, सब्जी ले लूँगी क्योंकि घर में कुछ भी सब्जी नहीं पड़ी हुई है। तो चलिए मिलते हैं आपको कुछ देर। इतनी सारी सब्जियां ले आई मैं, मूली, केले और संतरे, ये और प्याज, मिर्चा, टमाटर, खीरे। एक्सरसाइज करने के बाद लेने चली गई सब्जी, क्योंकि घर में कुछ भी नहीं था यार सब्जी के नाम पे। मैंने कहा ले चलती हूँ, क्योंकि कुछ बना खा नहीं पा रही थी यार बाहर। यहाँ दिल्ली में मैं एक चीज़ देख रही हूँ कि यहाँ पे ना वो कीड़े बहुत उड़ रहे हैं भाई, पता नहीं कहाँ से इतने कीड़े यहाँ रखे हैं। मतलब वो हवा में उड़ रहे हैं, मतलब मुँह अगर बात बात करूँ तो मुँह में घुस जाए, नाक में घुस जाए। मैं यहाँ पर भी देख रही हूँ कहाँ से इतने कीड़े आ रहे हैं। मेरे घर में तो कुछ है, बाहर बहुत ज़्यादा है। चलो तो इसको रखूँगी, पहले जा रही हूँ नहाऊँगी, फिर कुछ बनाऊँगी, फिर खाऊँगी। मिलती हूँ आप लोगों को। यार दम नहीं है, ताकत नहीं है, जैसे लग रहा है 4 दिन से कुछ खाया नहीं है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो सब? आई होप आप सब अच्छे हो गए और मैं भी अच्छी हूँ।
सुबह उठते उठते बस यही कि कैसे मैं सही करूँ, सारी चीज़ें फैली हुई हैं। अभी आज तो डस्टिंग करूँगी पूरा ना, कपड़ा वो करके गीला करके पूरा डस्टिंग करूँगी, देखती हूँ। और इसी के साथ आज जाना है मॉल। सच में आज मैंने इतने सारे काम बिखेर दिए मतलब, लेकिन ठीक है थोड़ा सा हो जाएगा। ये जो जिम वाले कपड़े मैं वहाँ रखती थी वो मैंने हटा दिए, यहाँ पे फिट कर दिए हैं कुछ कपड़े और जिम के। और ये कचड़े निकाले हैं मैंने, ये तकिया वकिया, और ये मैंने आप देख रहे होंगे गंदे, वो मैं से जितना साफ़ करते बना बना, क्योंकि मेरा हाथ नहीं पहुँच रहा था तो मैंने जो भी साफ़ करते बना किया है मैंने। कैसे साफ करूँ समझ में नहीं आ रहा है, देखते हूँ। तो ये थोड़ा इस पर गिर गया तो साफ़ कर रही हूँ, चलिए थोड़ा सफाई वफाई कर लूँ, मिलती हूँ। तो ये देखिए पूरा साफ़ हो गया, ये भी ये पूरा साफ़, ये साफ़ हो गया और ये यहाँ पे साफ़ हो गया पूरा। और ये मैं नहा के तैयार हो गई जाने के लिए, सिंपल सा ये जींस पहना है टॉप, जाके थोड़ा सामान लाना है मॉल से, जा रही है। 3 बज गए यार, सुबह का भाई ब्रेकफास्ट किया है, निकलती हूँ क्या लेना है, पानी का बॉटल ले लेती हूँ, घड़ी ले लेती हूँ यार, घड़ी नहीं। घर के भी कुछ सामान थे मुझे चाहिए थे, दीपावली आ रही थी वैसे भी, तो आ ही गई थी दीपावली, तो मैंने कहा चलो चलती हूँ ले लूँगी, और दिए हुए भी दिखेंगे तो ले लूँगी, क्योंकि ज़्यादा कुछ लेना नहीं था मुझे। तो यहाँ पे मैं निकलती थी नहा धो के, आप देख सकते हैं बाल भी मेरे गीले ही हैं ऐसे ही। और 11 बज रहा था, फटाफट काम किया और निकल गई। और यहाँ पे यार काफ़ी ट्रैफिक हुआ पड़ा था, रोड क्रॉस कर रही थी मैं जाने के लिए उधर से। और जैसे ही मैं एम्बियंस मॉल पहुँची, ये देखिए इतना सुंदर राम जी का मंदिर सजाया हुआ था ना, सच में अयोध्या का जो बना है ना राम जी का मूर्ति सेम वैसे ही था। और ये तो है एम्बियंस मॉल वाले ना, जो भी जैसे त्यौहार होता है ना उसको एंजॉय करते हैं और बहुत अच्छे तरीके से सजाते हैं। तो जब भी मैं जाऊँ किसी भी त्यौहार पे तो वो उसको उससे रिलेटेड वो सजाते हैं और बहुत अच्छा लगता है। सारी फैमिली लोग आते हैं, मेम्बर्स आते हैं। तो जैसे कि आपको बताया मैंने, 11 बज गया था तो मैं यहाँ पे एक कॉफ़ी ऑर्डर कर दी थी, और पेट एकदम खाली खाली सा लग रहा था, एनर्जी लो लग रही थी, क्योंकि कंटिन्यू यार इतना सफाई वफाई करने के बाद थोड़ा भी मतलब रेस्ट नहीं मिल पा रहा था। 2-3 दिन नहीं रहेगा मुझे पता है, क्योंकि घर जब एक गंदा होता है ना एक बार तो उसको साफ़ करने में टाइम लगता है। यहाँ पे मैं कुछ बोल रही थी लेकिन मैंने फिर वॉइस ओवर डाल दिया क्योंकि वॉइस क्लियर नहीं आ रही थी। तो चलो फटाफट कॉफ़ी ख़त्म करते हैं और आपको थोड़ा आसपास का एरिया भी दिखा देते हैं। ये देखिए, ये आप चाहें तो बाहर भी बैठ सकते हैं, आप चाहें तो अंदर भी बैठ सकते हैं। तो बड़ा ही अच्छा लगता है ये ना, बहुत दिन हो गया था मुझे ये कॉफ़ी पिए, मतलब समथिंग 1 महीना 1.5 महीने बाद मैं आई हूँ। तो यहाँ फिर उसके बाद मैं आ गई थी, पहले तो मैं गई शैम्पू ली अपने बालों के लिए जो कि ख़त्म हो रखा था, मेरे बाल झड़ रहे थे, 2-3 बार हेड एंड शोल्डर लगाया था इसलिए मैंने शैम्पू लिया। उसके बाद मैं आ गई थी मॉल में, तो मुझे कुछ ज़रूरत की सामान, जैसे कि यार मैं घर पे अपने ना कुछ चीज़ें रखती हूँ, मखाने और कभी चिप्स खाने का मन कर दिया तो वो रख लेती हूँ, और मैं चिक्की खरीदती हूँ जो मूँगफली के होते हैं और तिल के होते हैं जो कि अच्छे होते हैं ये, तो मैं वही बेसिक चीज़ें जो थी मेरी वो। और सही बताऊँ तो मैं मार्केट वाले अंडे लाती हूँ ना वो सही तरीके से होते नहीं हैं, तो इस वजह से मैंने मॉल से ही ट्रे का अंडा लाती हूँ। तो यही सारी चीज़ें थी, और कुछ जूस थे ना, वो जो आते हैं ओरिजिनल वाले जूस जो नहीं आते हैं, वो 2 डिब्बे ले रखे थे, 1 get 1 फ्री चल रहा था, तो बहुत सारे ऑफ़र चल रहे थे दीपावली की वजह से, तो मैंने वही सारे लिए और आ गई फाइनली घर पे। ज़्यादा सामान नहीं लिया, गेहूं सॉरी चावल दाल सारी चीज़ें तो थी, बस यही ऊपर ऊपर की जो चीज़ें ना यही सारी चीज़ें नहीं थी। तो चलिए फटाफट कपड़े चेंज करती हूँ और उसके बाद खाना तैयार बना लेती हूँ, क्योंकि जिम से आने के बाद ना एकदम ही थकान हो जाता है, फिर खाना का बनाने का मन नहीं करता, ऐसा मैं होता था स्टार्टिंग में। तो मैं क्या करती थी कि चावल डाल देती थी, दही खा लेती थी, ऐसे ऐसे खा लेती थी, लेकिन मुझे लगता है कि नहीं, अभी मैं जब कुछ नहीं कर रही हूँ तो खाने कम से कम ठीक से बना के खा सकती हूँ। जिम जाना है सोच रही हूँ, यही कपड़े पहने रहूँ।
ये टी शर्ट, बाकी नीचे निकल डाल लेती हूँ। और जिम अभी जाना पड़ेगा तो ज़्यादा नहीं, 4-5 बज गए हैं, 6-7 बजे जिम निकलूँगी। तो कितना साफ, खाली खाली सा लग रहा है, साफ़ कर दिया पूरा, ये देखो। तो यहाँ पे हाथों हाथ मैं ना जो चीज़ें लाई थी उसको डिब्बे में रख रही थी ताकि फैले ना। अभी घर जल्दी ही साफ़ किया है, और उसके बाद सच में साफ़ करने में तो क्या ही बताऊँ, कंटिन्यू मैंने सुबह शाम 2 दिन पोछा लगाया तब जाके थोड़ा पैर रखने लायक घर हुआ है, वरना ना जैसे चिप चिप सा लग रहा था, कितना भी झाड़ू पोछा कर दो। जिम जाना है, खाना बना लेते हैं उसके बाद। कल मैं लाइव आई थी, बहुत सारे डाउट लोगों के क्लियर की, ससुराल पे बात हुआ, हेल्थ पे बात हुआ, केस पे बात हुआ, बॉयफ्रेंड पे बात हुआ, फ्रेंड पे बात हुआ, शादी पे बात हुआ, जिसमें शादी के बारे में मैंने क्लियर क्या बोला है आप लोगों को पता चल गया होगा अगर आपने वो लाइव देखी होगी, कि मैं क्या सोचती हूँ अपने शादी को लेकर। ठीक है, तो जैसे कि अभी मैं गई थी, अभी लोग कुछ लोग एक दो लोग कमेंट करेंगे कि आप किसके साथ गए थे, तो देखो आप कमेंट करने की वो मत करो, दिक्कत मैं पहले ही बता देती हूँ। मैं अपने फ्रेंड के साथ गई थी, और आए 4-5 दिन हो गया है साफ़ सफाई करते करते, तो मैं अपने फ्रेंड को, उसने बोला कहाँ पे है, मैंने कहा मैं आ चुकी हूँ यहाँ पे गुड़गांव, उसने बोला ठीक है चल कॉफ़ी मिल रहा है, ठीक है मैं मॉल वैसे भी जा रही हूँ तो तुम वहीं पर एम्बियंस में आ जाना, कॉफ़ी पी लेंगे साथ में, ठीक है। तो पहले मैं बहुत पहले जो था, अभी कुछ महीने पहले मैं उसको वीडियो में 1-2 बार लाई थी, हालांकि वो दिखा नहीं था, लेकिन बताया था मैंने कि मेरा फ्रेंड है, ले मुझे उम्मीद थी कि मेरी YT फैमिली समझेगी, फ्रेंड तो बहुत दिन से था वो, लेकिन मैं लाती नहीं थी क्योंकि देखो यार मुझे पता है कि बस हर कोई सपोर्ट नहीं करेगा, लेकिन फिर भी मुझे लगा कि नहीं, YT फैमिली जहाँ तक मुझे कमेंट आते हैं पॉजिटिव आते हैं तो मुझे लगा कि समझेंगे, इसलिए मैंने लाया। लेकिन मुझे पता चल गया कि यहाँ पे कुछ लोग हैं जो जिनकी मानसिकता कभी नहीं चेंज होने वाली, उनको ये लगता है कि एक लड़का एक लड़की अगर फ्रेंड है तो उनके इनके बीच में गलत ही संबंध हो, तो इस वजह से मैंने उसको लाना बंद कर दिया। क्योंकि यार देखो आप मुझे क्या बोलते हो क्या नहीं बोलते मुझे मैटर नहीं करता, लेकिन मेरी वजह से मेरी फैमिली या फ्रेंड कोई सुने और उस वजह से हमारा रिश्ता ख़राब हो, जो कि एक फ्रेंडशिप का है, तो मैं नहीं चाहती कि रिश्ता ख़राब हो। दोस्त देखो यार मुझे बहुत अच्छे दोस्त नहीं मिले हैं मेरी लाइफ में, बहुत कम ऐसे लोग मिले हैं जिन पे मैं ट्रस्ट कर पाई हूँ और वो मेरे पे ट्रस्ट कर पाए हैं, तो मैं 1-2 फ्रेंड है जिनको मैं नहीं खोना चाहती। एक और फ्रेंड था सनी, जो कि ऑफिस फ्रेंड था, वो तो जा चुका है पटना क्योंकि वहाँ की पूजा, छठ पूजा बड़ी फेमस है, तो वो वहाँ पे रिज़ाइन करके जा चुका है, मना के आएगा तो अपना कहीं अप्लाई करेगा, जो भी हालचाल उससे भी होता है क्योंकि वो भी अच्छा लड़का था, तो इस वजह से हालचाल होता है। तो और पता है मुझे लड़कों का क्या चीज़ मैटर करता है कि उनकी नज़रों से पता चल जाता है कौन सा लड़का कैसा है, तो सनी भी वैसा है और ये भी ऐसा है कि मतलब लड़कियों के लिए ना रिस्पेक्ट जो सबसे ज़्यादा मायने रखती है लड़कियों को, तो यही सारी चीज़ें हैं, इसलिए मैंने नहीं लाया वीडियो में और मैं लाऊंगी भी नहीं, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि किसी के बच्चे को कोई गलत बोले या फिर हमारे फ्रेंडशिप जोन को कोई गलत गंदा नाम दे, अच्छा नहीं लगता यार। कल को वीडियो देखा तो वो यही कहेगा कि क्या कमेंट करते रहते हैं, तो मैंने नहीं लाई। और आपको क्या लगता है कि ऐसे YT पे जहाँ पे लोग बॉयफ्रेंड, झूठा बॉयफ्रेंड बना के झूठी शादी और शादी करके व्यूज़ ले रहे हैं, डॉलर कमा रहे हैं, तो क्या मुझे डॉलर मिलेगा तो मुझे बुरा लगेगा? मैं भी चाहूँ बॉयफ्रेंड बना के उसको दिखा सकती हूँ, मुझे भी पैसे मिलेंगे, लेकिन नहीं, मुझे झूठे रिश्ते नहीं दिखाने YT पे। जब होगा असली में किसी से रिश्ता मैं ज़रूर आप लोगों से शेयर करूँगी, और मुझे झूठा दिखाना किसी को अच्छा नहीं लगता, मुझे झूठे के रिलेशन नहीं पसंद है, और हाँ प्यार मोहब्बत में नहीं फंसूंगी। पहले मैं आपको कल ही क्लियर किया था मैं करूंगी तो सीधे शादी करूंगी, तो इसलिए ना मुझे बॉयफ्रेंड चाहिए ना कुछ चाहिए, ठीक है। और जो भी रहेगा आप लोगों के सामने रहेगा, आई होप आप लोग मेरी बात को समझ पा रहे होंगे। मुझे यार देखो मुझे बहुत ही बुरा लगता है जो चीज़ होती नहीं है लोग उसको लेके बोलते हैं ना,